So let us do fourth case today. Object between C and F. Thoda aur pass le aaye object ko. So this is our object between C and F. One ray which is parallel to principal axis will pass through focus. Pehle ek ray banao. Will pass through focus. One ray which is parallel to principal axis will pass through focus and second ray आपकी choice आप focus में से निकालोगे तो parallel चली जाएगी, वैसे वो easiest way होगा, या फिर आप C में से भी उसको निकाल सकते हो, but उसमें गलती होने के chances ज्यादा है because what you do is आप उसको mirror से touch ही नहीं कराते, यहाँ से join कर देते, वो गलत हो जाएगा. I'll draw all the three rays, you can draw any two. Right? Second ray passes through focus, then strikes the mirror and it goes parallel to principal axis and where they cut images formed. Ek to aise ho gayi. Characteristics of image are images formed beyond C, you can see. Ye bilkul reverse case hai, jab between C and F hai to beyond se image banti hai. और जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनती है. सो दीज आर टू रिवर्स केसेस एंड रियल इट्स इन्वर्टेड मैग्नीफाइड. ये ऑब्जेक्ट ही है इमेज. यू कैन कंपेयर देयर साइजेस. इमेज इज मैग्नीफाइड एज वेल. इट्स मैग्नीफाइड. एक और रे ऑप्शनल जो मैं ड्रॉ कर रही हूं वो ये है. अगर आप सी से निकाल रहे हो उसको तो रे वापस आ जाती है. रे रीट्रेसेस इट्स पाथ. तो ये वहां कट करेगी. आप ऐसे भी बना सकते थे एक रे बट वो आई थिंक आप भूल जाओगे. आप ये देखोगे कि यहां से निकल रही है यहीं से ज्वाइन कर देते. दैट विल बी रॉन्ग. मिरर से तो स्ट्राइक ही नहीं हुई. अगर ये पार्ट ज्वाइन ही नहीं करोगे एंड बोथ द एरोज यू हैव टू माउंट. इंसिडेंट रे भी इधर ही है वापस भी इधर ही है. तो इन तीनों में से कोई दो रेज आपको बनानी है. दैट यू डिसाइड. सो दिस इज आवर फोर्थ केस. कम टू द फिफ्थ केस. ऑब्जेक्ट एट फोकस. फोकस पर रख दीजिए. अब देखो अगर तो आप ये कंपास स्केल पेंसिल लेके साथ साथ बनाओगे तो नहीं हो पाएगा. वो घर पे जाके करिए. यहाँ पे तो रफ ही बनाना पड़ेगा प्लीज. सो टेक वन रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. वो फोकस में से ही पास करेगी. चाहे खुद फोकस पे है नो प्रॉब्लम. इवन देन उसको फोकस में से ही निकालना है आपको. One ray parallel to principal axis will pass through focus. And other ray you can pass through pole. Pole से simple reflection उतने angle के through bend कर दीजिए. So you will see both the rays are parallel to each other. C में से भी ले सकते हो वैसे. C में से अगर लेनी है तो उसके लिए भी आपको यह join करना पड़ेगा. दोनों एरो बनाने पड़ेंगे. डोंट फॉरगेट टू डू दिस. सो दीज रेज मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर. ये रेज पैरेलल होनी चाहिए. दैट मींस इमेज बहुत आगे जाके बन रही इंफिनिटी पे बन रही. सो दिस केस इज आल्सो द रिवर्स. व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी इमेज वाज फॉर्मड एट फोकस. नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. इमेज विल बी फॉर्मड एट इंफिनिटी. सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज आर एट इंफिनिटी. जहां पे भी बनेगी रियल बनेगी. रियल विल बी ऑलवेज इन्वर्टेड और जितनी आगे बनेगी मैग्नीफाइड. हाईली मैग्नीफाइड. हाईली मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड.
So these are characteristics of image. Yes. हाँ वही उसको हम कहते हैं कि बहुत दूर मिलेंगे. राइट. यस यस मैम. जो फिफ्थ मैम जो फिफ्थ वाला केस है वो एक बार फिर से बता दो. आप मिरर से टकरा के उसको दोनों एरो बनाने पड़ेंगे और वो भी पैरेलल हो. सो ऑल द थ्री रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर. So that means इमेज बहुत आगे जाके बनेगी इन्फिनिटी पे. जब भी बनेगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी. जितनी आगे बनेगी मैग्निफाइड होगी. एंड लेट अस सी ऑल दीज फाइव केसेस नाउ. रियल इमेज बन रही है फाइव के फाइव केसेस में. बट वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, देन एट एफ. और हमने क्या देखा कि पहले इमेज बन रही थी पॉइंट साइज, फिर इमेज बनी थोड़ी डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज की हो गई सी पे. बिटवीन सी एंड एफ मैग्निफाइड हो गई और यहाँ पे हाईली मैग्निफाइड हो गई. सो एज वी आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर, साइज ऑफ इमेज इज इंक्रीजिंग. साइज ऑफ इमेज इज इंक्रीजिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ये उतनी दूर बनती जा रही है. ये देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए. सो राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो हियर. व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ इमेज? What happens to the size of image as the object is brought closer? What happens to the size of image as the object is brought closer to a concave mirror? As the object is brought closer to a concave mirror. So, आप क्या बताओगे? When the object is brought closer to a concave mirror. So you will say as it is brought closer, size of image goes on increasing. Size of image, distance, size and distance both. Size and distance of image go on increasing. Distance from the mirror increase ho raha. Last case hai, jisme virtual image banegi. Object is kept now very close between F and P. So draw the last case now. Object between focus and pole. So if you are aware of these cases, numericals half पहले ही हो जाएंगे आपके. वहीं से आपका आइडिया हो जाएगा. ठीक है. So if the object is between focus and pole, a ray which is parallel to the principal axis will pass through focus. एक रे निकाल दीजिए पहले फोकस में. ड्रॉ फर्स्ट रे. आर यू ड्रॉइंग? ये कहीं से भी नहीं पास करवा देनी है, रूल फॉलो करने हैं. पैरेलल है, फोकस में से जानी चाहिए. यहां से पास करवा देते हो, यहां से नहीं करवानी है. डन. कीप इट असाइड. Second ray, again that is your choice. Either you can make it pass through P or through pole. जहां से मर्जी कर लीजिए, pole से निकाल देते हैं. तो pole से उतने ही angle के through almost bend करिए इसको. तो you will see कि इनके बीच में distance increase होता जा रहा है. ये they will never meet in this direction. अब parallel नहीं होंगी, अब ऐसे होंगी. ठीक है. So second ray pass through pole. So never an image will be formed this side. To obtain the image, we have to produce the rays back. और इनको bend नहीं करना. जहां पे meet करती है वहां पे करने दो, चाहे दूर जाके meet करें वहां पे करने दो. Bend नहीं कर देना ऐसे, खुद ही नहीं meet करा देना. सीधे लेके जाना है, जहां meet करेंगी करने दो.
और since this portion is behind the mirror, rays are not actually going there, we are imagining. Real तो ये वाली rays थी जो कभी meet ही नहीं कर रही, तो हम assume कर रहे हैं कि यहाँ पे image बन रही होगी. So this is imaginary, so always draw dotted lines here. That means this image is virtual. और यहाँ कट कर रही है तो इरेक्ट है, सीधी तो है ये, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट एंड इट इज मैग्निफाइड. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज? इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट एंड मैग्निफाइड ऑल्सो. सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मड. All the five cases of image formation by concave mirror. Then we'll start with convex mirror. दो cases draw करके रखी है जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है. Heading दे दो, image formation by convex mirror. Convex mirror. And there will be only two cases. Because convex mirror will always form virtual image. तो उसके दो ही केसेस होंगे. फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वो जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं फोकस के टाइम पे, वही होगा. बनाइए पहले कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. बनाओ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है. Even then, if there's any problem, I'll check from the list and send to you. But mere ko remind kara dena, theek hai? Chalo, object at infinity, first case of convex mirror. So, agar koi ray parallel hai principal axis ke, to it will get diverged like this. And on reducing backwards, hume lagega focus mein se aa rahi. Ye humne focus ke time pe already banaya tha. Take one more ray, this side. तो ये भी ऐसे डाइवर्ज होगी, ऐसे लगेगा कि इसमें से आ रही. सो इमेज अपीयर्स टू बी फॉर्मड एट फोकस. अगेन वही है, इंफिनिटी पे इमेज बनी तो है फोकस पे, बट दैट इज वर्चुअल एंड वर्चुअल विल बी इरेक्ट एंड दिस इज पॉइंट साइज वेरी वेरी डिमिनिश्ड. पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्मड हियर. अब ऑब्जेक्ट एनी वेयर एल्स, और जहां मर्जी पड़ी हो, यहां कॉन्वेक्स मिरर में और कोई लोकेशन नहीं होगी क्योंकि इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज. सो दैट्स व्हाई ये क्रिश लुथरा एंटर कर रहा है. कितने बजे? 10:28 हो गए हैं. फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट, ठीक है. यहाँ पे हर केस में ऐसी इमेज बनेगी, तो वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसके दो ही केसेस हैं, या तो इंफिनिटी पे या ऑब्जेक्ट एनीवेयर, जहां मर्जी बनी हो एक ही टाइप की इमेज बनेगी. सो लेट अस टेक अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट विल अपीयर टू कम आउट ऑफ फोकस. फोकस में से अपनी लगेगी. बनाइए एक रे, बनाइए पहले, ड्रॉ वन रे. सेकेंड रे आप सी में से निकाल दो, बट माइंड इट, जहां मिरर खत्म हो जाता है उसके बाद का पोर्शन डॉटेड होगा. सी में से सीधी निकाल दीजिए. सी में से आती लग रही है, मिरर तो यहां खत्म हो गया,
या बाकी वाला पोर्शन सारा डॉटेड होगा तो वापिस आ जाएगी, और जहां पे पहली रे को कट करती लग रही है यहाँ पे छोटी सी इमेज बनेगी। ड्रॉ एन एरो हेड हियर, सो स्मॉल वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नी डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्मड हियर, जहां पे रे कट करती लग रही ये जो पैरेलल है उसको आपने ऐसे निकाला, दूसरी कहां से निकालोगे आप, फोकस में से आती लगेगी तो हाँ वो भी बना सकते हो, ठीक होना चाहिए बस, बना सकते हो बट शुड बी करेक्ट। सो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, वो लोकेशन नहीं बताएंगे क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फिक्स नहीं थी। सो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म, सो यू कैन सी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलवेज कॉमन, so we can conclude that convex mirror always forms virtual erect and diminished image of the object, hamesha diminished hi banayega convex mirror. aapko maine big convex mirror dikhaya tha na, first day dikhaya tha itna bada, wo isiliye usko vigilance ke liye use karte hain because it covers the whole view of class because it forms diminished images, whole view of shop or class is covered, so that is why it is used for vigilance. You must have seen this type of mirror at roadside also. Roadside पे भी ऐसे mirrors लगे होते हैं, नहीं roads पे भी आपने देखे होंगे, उससे पूरी road का view cover होता है, या कहीं turn लेना हो turn के time पे mirror लगा होता है, उससे आपको idea हो जाता है कि कुछ क्योंकि ये छोटी छोटी images बनाता है तो clear हो जाता है। For what purpose? Hilly area में किस purpose? चलिए यूजेस ऑफ बोथ द मिरर्स अब कर लेते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर लिखिए पहले, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहां कहां यूज होता है, मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, बिकॉज इट forms magnified image of the object. So as makeup mirror, shaving mirror, concave mirror use hota hai. Solar cookers. Theek hai, concave mirror is used in solar cookers, solar water heaters, solar furnace mein use hota hai. Solar furnace mein bhi use hota hai. Telescopes mein use hota hai. लेंस के मिरर, मिरर होते हैं के लेंस होते हैं, लेंस होते हैं, ठीक है। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर फर्नेस, देन टेलीस्कोप्स में एज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं, कुछ टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव मिरर भी होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है वहां पे, ठीक है। हाँ टेलीस्कोप्स used in some telescopes, ठीक है। नेक्स्ट लिखे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फ्री थोड़ी है वो, आप उसके अलग अलग पॉइंट बना लो, बॉक्स टाइप, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर फर्नेस, वो अलग अलग पॉइंट ही है, पर है तो वो अलग अलग चीजें हैं, उनका सबका फंक्शन डिफरेंट है ना। चलिए आगे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फर्स्ट यूजेस, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड, एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड, because of two reasons, there are two reasons why it is used as rear view mirror. ek to yahi cover wider area of view because it forms small images of the object, chote chote images hai to area of view wide ho jata hai, likhiye wider area of view is covered because it forms diminished images, wider area of view because it forms diminished images of the object.
Second thing, recognition becomes easy because images formed are erect. Recognition becomes easy. अब आप vehicle drive कर रहे हो, आपका ध्यान अगर यही identify करने में लग जाए कि आ क्या रहा है पीछे, वो उसकी अगर inverted image बन रही हो तो आपका तो सारा attention divert हो गया। तो इरेक्ट दिखना चाहिए आपको कि पीछे क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। सो रिकॉग्निशन बिकम्स इजियर एज इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। सेकेंड यूज इज एज अ विजिलेंस मिरर, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, विजिलेंस मिरर in shops, bookstores, etc. to keep an eye over the whole shop. उसके अलग अलग पूरी शॉप का व्यू उसमें नजर आएगा, तो अगर कंपार्टमेंट है उसमें अलग अलग तो पूरा व्यू उसमें दिखेगा। सो एज अ विजिलेंस मिरर, सिक्योरिटी मिरर भी कहते हैं इसको। लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में न्यूमेरिकल आया था, उन्होंने उसमें ये लैंग्वेज यूज नहीं की कि डाइवर्जिंग मिरर, दे यूज दिस लैंग्वेज सिक्योरिटी मिरर। तो जिन बच्चों को ये एप्लीकेशन पता होगी उन्हीं को पता चलेगा कॉन्वेक्स मिरर को सिक्योरिटी या विजिलेंस मिरर कहते हैं। थर्ड यूज इज इन द स्ट्रीट लाइट्स, इन स्ट्रीट लाइट्स फॉर डाइवर्जिंग द रेज ऑफ लाइट, टू स्कैटर द रेज ऑफ लाइट। हाँ वहां भी, वहां लिख सकते हो, इन स्ट्रीट लाइटिंग फॉर डाइवर्जिंग, फॉर स्कैटरिंग लाइट, फॉर स्कैटरिंग लाइट। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गए यूजेस। अब इसके इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, मिरर फॉर्मूले कौन कौन से हैं, लेट अस सी। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बताया हुआ है ऑलरेडी आपको, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फॉर्मूला। चलो यू क्या है यहाँ पे, हाँ, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी, वेयर यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, एंड वी इज इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर, एंड व्हाट इज स्मॉल एफ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो नोट इट डाउन, व्हाट इज यू, object distance, distance between object and the mirror, pole of the mirror you can say, and what is v, image distance, distance between image and mirror or image and pole of the mirror you can say. Yes, 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 good morning to all, good morning, very loud good morning, good morning, good morning, respectful loud morning. Okay, yes, good. So ma'am, unmute one or two students. कितने, हाउ मेनी आर देयर ऑनलाइन, नहीं सभी सभी को नहीं करो, दो तीन को करो। यस, चाहत अनम्यूट योरसेल्फ, चाहत आस्था, चाहत एंड आस्था अनम्यूट योरसेल्फ, एंड गुरसिमर जोत अनम्यूट योरसेल्फ। आई हैव अनम्यूटेड थ्री स्टूडेंट्स, आस्था, चाहत, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा,
Okay, good morning, online students. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? Fine, ma'am. Fine? Not so happy at home. Come, come to the school. Join your friends. Any over there. So I'm here to discuss with you the type of assessment you are going to have this year, right? You know that last year that was very unusual period and the board could not hold examinations for the 10th class. And later on, a special type of the formula that was formulated on the basis of that the result was prepared, okay? But this time the CBSE in advance has planned all the things for you that in which form the assessments they are to be taken. Okay. I hope that your teacher, your subject teacher, something. Is it? Have they told? Right. Anyhow, how many terms are there for you? Two terms are there. Okay. Two terms and mostly 50-50. That is a 50% syllabus in one term and a 50% in the second term. Okay. Apart from that, you have to appear for three periodic tests. Right. One is over in the month of May, second, that will be in the, now in September, you are going to, you will have to appear in the revision test too, okay? Take those revision tests very seriously also, because that will be wholly solely MCQs. If the need arises, we may take it as an PT exam, okay? Because earlier it was a theory part also. So you have to take it as if that, if it is your final exam, right? And also third PT, that will be in the month of, we suppose in the month of last of January or starting of the February. Then in March and April, you have to appear for the second term, okay? The first term will be of 50 marks, that will be of 1 hour and half an hour duration. All the MCQs will be there, right? And the second term, combination of a question, short answer type, long question can also be there. And in addition to that, MCQ question, okay? And how many duration, duration will be of 2 hours, but the marks, that all will be clear to you on after 16th of August, the board is going to release the sample papers for that, okay? But now, for both the terms, you have to appear in MCQs. MCQs, don't think that that will be very simple type of MCQ. It will be a different different type of variety of the MCQs will be there. Only you will be getting a very simple 4 or 5 MCQs, very simple knowledge-based MCQ. The second category may be that the there may be one of the two answers, okay? Or there may be sorting type of questions too, or you have to plan for that in ordering type of the answers too. You have to choose that answer in which certain things are there. You have to make a write a sequence of that. For example, that the digestion of the food is there, the food passes in the alimentary canal. What is the sequence of that? First, in which part, second, and that. Similarly, that the digestion of food can also be taken up. Okay, so like that. Okay, then also assertion and reasoning type of a question you used to get in the 9th class also, because the board started preparing you that for the NEP, National Education Policy, in the last year too, okay? So some of the things they have been implemented also. And also, there'll be no internal choice within the question, right? Overall choice can be there. For example, total 25 questions are there. You may have to attempt 20 questions out of that. But you have to attempt 20. You have to choose 20. If you will be solving all that, only 20, first 20 will be evaluated. The rest 5 will be cancelled. Okay? So you have to be particular. Don't think that it will be solving all that. And if the right answer, 20 maximum right answers there, then you'll be getting the 20 marks out of this, full marks out of that. No, it won't be the case, okay? So you have to be very particular about that, okay? Then apart from this theoretical portion, then internal assessment is also part of your evaluation. And in the internal assessment, otherwise for each of the subject, 20 marks are there, right? Now the half up. In first term, half mark, 10 marks. In the second term, again, 10 marks, okay? And in half of that,
there'll be a weightage for the periodic test, 3 marks weightage for that. And there'll be multiple assessment. In the multiple assessment, the map work is there. Then also role play, quizzes, all that. And also you have the art integrated activities too in the different subjects. So it's also a part of that, okay? Then thirdly, portfolio, that will also carry 2 marks. The assignments, the homework you need to submit that. So be very regular and you have to do whole of the work, whatever is given to you, okay? Then subject enrichment. In the subject enrichment, many of your subjects are practical based. So you have to maintain your files. You have to submit. You have to maintain practical files and assign, not assignment, sorry, over here. But the practical files have to be maintained. Okay. And Viva is there based on that. So Viva was, that will be there. And the listening and speaking. And in the social study, you have one art integrated project. Art related project. Have the teachers told you regarding that? We have assigned that. We have given one art project to them, 9th and 10th board. Okay. So, ma'am, you have to confirm it. Okay. Right. So, this is all that about this your internal assessment, and also all the things are going to be evaluated over a period of year, not in a very short period of the year. So full planning is there, given by the CBSE. We have to follow that, okay? And the CBSE will prefer the offline exams, right? Suppose both exams, suppose it will be, okay? Term 1 and term 2 offline, then 50-50% weightage will be there. Because end of the year, term 1 and the term 2 combination of that, okay? So 50-50 weightage. Suppose in case, if the situation becomes worse, one is online, one is offline, then more weightage is to be given to the offline, not to the online. Online is not to be preferred. Offline will be preferred. Okay. So be particular about that. Right, Veta? So I hope that everything is clear to you. Any doubt? Reports? That PT we are going to hold in the month of February or end of January, that will be pre-board. Pre-board you will have. Because we are going to finish the syllabus up to that time, okay? Because in November, you'll have the exam, or December, then January and February, we need that. हाँ, अब ऐसे ही हो गया ना मेरे, क्योंकि दो terms हो गई हैं. वो PT है आपका, syllabus finish कर देंगे, it will be a practice for you, that will be regarded as period also, but that will be PT3, right? Follow? Name ही अलग गया है, तो वही है सब कुछ, ठीक है? So any of it, online people, do you have any problem? Everything is clear to you? Yes? Yes, ma'am. Okay. Okay, beta. Thank you. Thank you. And wish you all the best. And strictly follow the guidelines. Okay? Second term, March, April. Period. Exactly. Because basic will be given by the board. There will be a time period, we have to select that time period. Papers will be set by the board, right? External examiners will come, observers will come, then you have to appear offline in the exam. So not only solely school will be responsible, external people will also come to see you, what you are doing. Gracias.